हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दोहन के लिए राज्य सरकार ने आम लोगों को भी होम स्टे योजना से इसमें भागीदार बनाया है। इसके माध्यम से रिहायशी मकानों में सैलानियों के ठहरने और उनके खाने पीने की सुविधा दी जाती है ताकि उन्हें घर जैसा माहौल मिल सके। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दूरदराज के इलाकों में जहां होटल सुविधा नहीं है वहां भी पर्यटक आसानी से रह सकते हैं। पर्यटक दुर्गम क्षेत्रों में जाकर भी वहां की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं और होमस्टे योजना युवाओं के लिए रोजगार का साधन भी बनी है। यहाँ पे हम अपना जब घर बना रहे थे उस टाइम हमें कुछ एक स्कीम्स के बारे में पता चला जो गवर्नमेंट ने निकाली है, जैसे जिसमें हम अपना होम स्टे रजिस्टर कर सकते हैं। घर के साथ साथ ही हमें जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलता है। फिर इससे क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर टूरिस्ट आता है, हम उनको लोकल ट्रेडिशनल चीज़ें भी खिलवाते हैं और एक्सपीरियंस करवाते हैं गाँव की चीज़ें, कैसे यहाँ पर गाय वगैरह भी हम पालते हैं। तो इन सब से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है, बिकॉज़ अभी लोगों को ये बहुत सारी चीज़ें पसंद आती हैं और वो आगे भी फॉरवर्ड करते हैं। ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। यहाँ पर डिफरेंट अलग अलग तरह के लोग आते हैं और उनसे भी हमें सीखने को मिलता है और उनको भी हमसे सीखने को मिलता है। वो हम यहाँ पर अपनी खेतीबाड़ी, अपने जो भी हमारे फ्रूट है, वेजिटेबल है, हम उनको दिखाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। इससे काफ़ी अच्छा हमारा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, डे बाय डे बढ़ता भी जा रहा है। ये टैक्स फ्री रहता है, इसमें टैक्स कोई नहीं है और हिमाचल जो टूरिज्म है हम लोगों को प्रमोट भी कर रहा है। शिमला जिला पर्यटन अधिकारी कंचन बेदी ने बताया कि लोग अपने घर में ही 4 कमरों को होम स्टे योजना के तहत पंजीकृत करवा सकते हैं और पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना इस योजना का उद्देश्य है। इसके 2 मोटिव थे, एक तो जो टूरिस्ट है उसको थोड़ा सा शहरों से हटा के हम गांव तक लेके जाएं, ताकि वो गांव की जो रूरल टूरिज्म है हिमाचल का उसका एक शोकेस दे सके, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का रहना खाना, उस हिसाब से टूरिस्ट का एक्सपोजर हमारे गांव से जुड़े। और सेकंड था कि आजकल यूथ बहुत अपकमिंग आ रहा है, उनके लिए रोजगार के साधन उनके घर पे बैठ के हम समथिंग दे कैन डू ऑन देयर ओन। राज्य सरकार की इस योजना से पर्यटकों को प्रदेश की संस्कृति को जानने का मौका मिल रहा है और वहीं युवाओं को उनके घर द्वार पर ही रोजगार के अवसर मिले हैं। शिमला से DD News के लिए रीना वर्मा की रिपोर्ट।